दोस्तों आज बात करेंगे तिहाड़ जेल के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अब तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आखिर तिहाड़ जेल में आने से क्यों डरते हैं कैदी? दोस्तों कहा जाता है कि बड़े से बड़ा बदमाश भी इस जेल में आने से डरता है। ऐसा क्या है तिहाड़ जेल में जिसमें आने से बड़े बदमाश के पसीने छूट जाते हैं और वो यही दुआ करता है कि उसको तिहाड़ जेल में न भेजा जाए। तिहाड़ जेल में जाने से कैदी इसलिए डरते हैं क्योंकि कोई भी बदमाश जब पहली बार तिहाड़ जेल में जाता है तो उसकी यह सोचकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि पहली रात उसके साथ क्या क्या होगा। वो यह सोचकर भी डरते हैं कि उनके साथ दबंग कैदी क्या क्या करेंगे। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है। तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ी जेल है। अधिकतम सुरक्षा के साथ तिहाड़ जेल की स्थापना सन 1957 में हुई और इस जेल में एक साथ 5200 कैदियों को रखा जा सकता है। और आपको बता दें कि यह जेल के माध्यम से एक सुधारक संस्था है जिसमें शिक्षा के माध्यम से कैदियों को सुधारने और बदलने का प्रयास किया जाता है और व्यावसायिक कौशल की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तिहाड़ जेल के परिसर में एक उद्योग भी है जो कैदियों के द्वारा ही चलाया जाता है, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है और उन्हें देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में सुधरने का मौका भी मिलता है। भारत की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल कहां पर है? दोस्तों तिहाड़ जेल दिल्ली में स्थित है, जो कि दिल्ली के चाणक की पुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ गाँव में है। इतिहास में अलग अलग समय पर शासन प्रशासन ने इस जेल का निर्माण कराया, जिसमें वो समाज के अवांछित तत्वों को समाज में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने पर उनको कैद कर सकें। और कई बार तो शासन प्रशासन से दुर्व्यवहार करने पर अवांछित तत्वों को जेल में डाल दिया गया है। तिहाड़ जेल का इतिहास, तो चलिए दोस्तों जानते हैं तिहाड़ जेल के इतिहास के बारे में। मूल रूप से तिहाड़ पंजाब राज्य द्वारा संचालित एक अधिकरण सुरक्षा वाली जेल है। सन 1969 में नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था और सन 1984 से शुरू होकर इस जेल में अतिरिक्त सुविधाएं भी लाई गई, जिससे परिसर तिहाड़ जेल बन गया और ये भारत की सबसे बड़ी जेल भी बन गई। आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के प्रभार के तहत जब किरण बेदी जेल की महानिरीक्षक थी तो उन्होंने तिहाड़ जेल में अन्य जेल सुधारों की स्थापना की, जिनमें तिहाड़ जेल का नाम तिहाड़ आश्रम में बदलना भी शामिल था। उन्होंने कर्मचारियों और कैदियों दोनों के लिए विपश्यना ध्यान कार्यक्रम की शुरुआत किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिहाड़ जेल में 2 सिद्ध कैदियों के अलावा अंडर ट्रायल कैदी भी रखे जाते हैं और जेल के अंदर कई गैंग काम करते हैं, जो कि बाहर से आए कैदियों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं। तिहाड़ जेल की बेहतर निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इसमें लगभग 20 क्रिमिनल गैंग और 30 छोटे गैंग काम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।